आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। चुनाव के मद्देनजर एसएसपी डॉक्टर विपिन तारडा ने की अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई। 132 अपराधियों को किया चिन्हित, किया जाएगा जिला मदर। महिला संबंधी अपराध, आपसी रंजिश में मारपीट के मामलों में 400 अपराधियों पर भी होगी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा मीडिया से हुए रूबरू, कहा 11 नवंबर को गोरखपुर पहुंचेगी समय सामाजिक परिवर्तन यात्रा, होगा भव्य स्वागत। जलकल स्थित मल्टी लेवल पार्किंग का एसएसपी ने जीडीए सचिव और व्यापारियों के साथ किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा पार्किंग के प्रयोग के लिए जीडीए व ट्रैफिक पुलिस सोमवार से चलाएगी जागरूकता अभियान। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 7 नवंबर से शुरू हुए मतदाता जागरूकता रैली को एसडीएम सदर ने सेंट एंड्रयूज कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अधिक से अधिक लोगों का मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील। छठ पर्व के मद्देनजर नवीन महवा मंडी में फलों के दामों में आया उछाल, फल विक्रेताओं ने कहा अभी और भी दाम बढ़ने के हैं आसार। हिंदू युवा वाहिनी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान का हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर अभियान का लिया फीडबैक, नए युवा मतदाताओं को दी शुभकामनाएं। यातायात माह के दौरान चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत रविवार को यातायात पुलिस द्वारा छठ पूजा के दृष्टिगत चलाया गया चेकिंग अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 100 वाहनों का किया गया चालान। एसपी ट्रैफिक ने कहा यातायात नियमों का करे पालन, करे सुरक्षित यात्रा। छठ पर्व के मद्देनजर नवीन महवा फल मंडी का मंडी सचिव ने किया औचक निरीक्षण, कहा भीड़ को देखते हुए कुछ रास्ते को छठ तक किया जा रहा है वन वे, पुलिस व गार्ड की लगाई गई है ड्यूटी। और रविवार को मनाया गया भारत स्काउट और गाइड का 71वां स्थापना दिवस, झंडारोहण कर संस्थापक सदस्यों को किया गया माल्यार्पण, स्काउट गाइड के कार्यों के प्रति लोगों को दी गई जानकारी।